हे गाइज, वेलकम बैक टू भोजपुरी विजन। कैसे हैं आप सब गाइज? आज हम देखने वाले हैं राज भाई का सॉन्ग, जो कि है अविनाश बाबू एंड शिल्पी राज जी के साथ में। तो चलिए यार, देखते हैं कैसा सॉन्ग ये होने वाला है। चैनल का नाम है HP म्यूजिक भोजपुरी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यार, हम लोग वीडियो देखते हैं कैसी होने वाली, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। माय गॉड यार, ये था सॉन्ग और बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग था यार। मतलब बिना अश्लील वर्ड के, बिना अश्लील हरकतों के, बिना अश्लील कुछ दिखाए या कुछ भी इस तरीके का
किए बिना भी भोजपुरी सॉन्ग बन सकते हैं। और ये चीज़ अविनाश बाबू एंड राज भाई जो हैं उन्होंने दोनों ने मिलकर साबित कर दिया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को चलने के लिए ना किसी भी अश्लील हरकतों की ज़रूरत नहीं है। और यार शिल्पी राज जी भी मतलब एक साल पुराना एक गाना है अप्रॉक्सीमेट, बट आज के गानों से 10 times बेटर है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो पवन सर खेसारी सर हैं उनके गानों की कंपैरिजन में, मतलब जिस तरीके के लिरिक्स हैं ये उस तरीके में काफ़ी सारे क्रेजी भाई जो हैं वो रोस्ट करते हैं उस तरीके के गानों से काफ़ी बेटर हैं ये सॉन्ग और बहुत ही अमेजिंग है। मतलब यार भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मतलब अश्लील गाने और पता नहीं वल्गैरिटी वाले सॉन्ग्स डाल डाल कर भोजपुरी समाज को यार गंदा करने पर लगे हुए हैं। और उनके मुंह पे तमाचा है ये कि बिना उस चीज़ के भी सॉन्ग्स बन सकते हैं, अब हिट हो सकते हैं। और यार मुझे नहीं समझ आता कि वो लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, बट इस सॉन्ग को सुनने के बाद ना जैसे कुछ सॉन्ग्स होते हैं पर्सनली आपको पसंद आते हैं आपको अच्छे लगते हैं, मुझे ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। राज भाई का जो मतलब अविनाश बाबू जो शिल्पी जी हैं उनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, सेम राज भाई जो हैं उनका डांस मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया। मतलब कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं यूज़ किया गया, सारे बैकग्राउंड्स नॉर्मल हैं नेचुरल हैं। मतलब सरसों का खेत है यार और गेहूँ, मतलब सारी चीज़ें और डैम के ऊपर शूटिंग ड्रोन से की गई हैं आई थिंक, वो काफ़ी सारे जो क्लिप्स हैं वो ड्रोन की हेल्प से लिए गए हैं। और यार अमेजिंग वीडियो थी, नंबर वन है ये मतलब सॉन्ग। साथ ही साथ इसमें जो गायकी है गायकी भी यार बहुत ही अमेजिंग है। मतलब सॉन्ग स्टार्टिंग में जब वो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं वो सॉन्ग कुछ और है, वो मतलब समथिंग मुझे ट्यूनिंग कुछ मैच से लगी कि मेरे नसीब में तो है कि नहीं से मैच लगी थी मुझे। हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग है तो उससे मैचिंग मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, बट लिरिक्स आते ही वो जैसे चेंज हो गया सब कुछ। तो यार ट्यूनिंग कभी कभी मैच हो जाती है क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक है यार, कहीं ना कहीं मैच तो हो गई, इतने सारे बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से बनाएंगे यार। तो ओवरऑल सॉन्ग बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। और आप लोगों का रिएक्शन अच्छा लगा है तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसी टाइप की वीडियोज़ के लिए मतलब सॉन्ग्स अदर रिएक्शंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मेरे चैनल पे मिलती रहें। तो चलिए यार हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।